हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आई एम शहजाद खान फ्रॉम टैगोर स्कूल परबत्सर एंड आई एम हार्डली वेलकम यू आर इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ यूकेजी क्लास। नमस्कार सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को। आज मैं कक्षा यूकेजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज द कवर पेज ऑफ मैथ बुक ऑफ यूकेजी। ये यूकेजी की जो मैथ बुक्स है उसका कवर पेज है। सो यूकेजी क्लास के स्टूडेंट्स जो हैं बहुत छोटे क्लास के बच्चे हैं, तो इसमें जो ये वीडियो है आज का, वो अपने जो विद्यार्थियों का नहीं अपने पेरेंट्स का है। तो पेरेंट्स को इस पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटी कक्षा के बच्चे हैं, यूकेजी के बच्चे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं, तो ये जो है अपने पेरेंट्स है उनके लिए, तो उनको अच्छी तरह समझना है और फिर उनको बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए घर पर। क्योंकि जब स्कूल ओपन रहते हैं तब तो यहाँ पर टीचर छोटी क्लास है यूकेजी, उनके बच्चों को तैयारी क्लास में करवाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के दौरान जो बच्चे स्कूल नहीं आ सकते, तो ऑनलाइन क्लास में जो पेरेंट्स है वो अच्छी तरह से इनको समझे और बच्चों को इसकी प्रैक्टिस करवाए। क्योंकि बिना प्रैक्टिस के समय जो यूकेजी के बच्चे हैं वो कुछ नहीं कर पाते हैं। विद्यालय में तो उनको टीचर्स करवा देते हैं, लेकिन अभी जो बीच की कड़ी है वो पेरेंट्स हैं, क्योंकि बच्चे विद्यालय में आ नहीं सकते, तो पेरेंट्स ही वो कार्य कर सकते हैं। तो सभी पेरेंट्स हैं, यूकेजी क्लास के बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों को ये वीडियो है समझकर उनको इसकी प्रैक्टिस करवाए घर पर, उनको समझाए, क्योंकि वह समय कुछ नहीं कर सकते। सो टुडे वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास यूकेजी। द चैप्टर नेम इज रिविजन ऑफ कंपेरिजन। रिविजन ऑफ कंपेरिजन, रिविजन मीन्स होता है दोहरान, ऑफ यानी का, कंपेरिजन यानी तुलना का। तो तुलना का दोहरान, तो तुलना का दोहरान करना है इसमें हमें। सो ये हमें समझना है कि बच्चों को ये रिकग्नाइज हो जाए, कक्षा यूकेजी के जो चाइल्ड है, चिल्ड्रंस है, उनको ये रिकग्नाइज हो जाए कि बिग और स्मॉल को पहचानना। कोई भी दो ऑब्जेक्ट हो, थिंग्स हो, वस्तुएं हो, तो उनमें वो ये पहचान कर सके कि कौन सा बिग है, कौन सा स्मॉल है, यानी कि उनको रिकग्नाइज करने की जो क्षमता है वो उनमें बढ़े। ये पेरेंट्स को ध्यान देना है। तो बिग मीन्स होता है बड़ा एंड स्मॉल मीन्स होता है छोटा। तो बिग और स्मॉल यानी बड़े और छोटे में उनको कंपैरिजन करना आए, इस अध्याय में हम यही करेंगे। तो फ्रंट पेज है ये जो फर्स्ट लेसन है, तो अपना बुक्स का जो है आप जैसे देख रहे हैं कि जो कुछ ऑब्जेक्ट वस्तुएं दे रखी हैं, देर आर टू एनिमल्स इन हियर, देर आर टू एनिमल हियर, यहाँ पे दो जो जानवर दे रखे हैं, तो ये उनमें क्षमता उत्पन्न हो जाए कि वो पहचान सके कि स्मॉल कौन सा है और बिग कौन सा है। सो यहाँ लिखा है बिग एलिफेंट। एलिफेंट मीन्स होता है हाथी, तो हाथी कैसा है, बड़ा है। एंड स्मॉल रैबिट, सो रैबिट कैसा है, स्मॉल यानी छोटा। तो दोनों में जो तुलना करना कि बड़ा और छोटा, जो भी ऑब्जेक्ट है, थिंग्स है, कि विच इज द स्मॉल एंड विच इज द बिग, तो कौन सा बड़ा है, कौन सा स्मॉल है, तो हम कह सकते हैं बच्चों को रिकग्नाइज करें, तो बच्चे ये समझ सकें कि इनमें जो बड़ा है और जो स्मॉल है वो कौन सा है। तो एलिफेंट है वो बिग है, और जो रैबिट है वो स्मॉल है,
यानी खरगोश छोटा है और हाथी बड़ा है। सो कंपैरिजन हम दोनों में करना सीख जाएं। तो एलिफेंट इज बिग देन रैबिट। तो हम कह सकते हैं कि जो हाथी है वो खरगोश से बड़ा है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं द रैबिट इज स्मॉल देन एलिफेंट, यानी जो खरगोश है वो हाथी से छोटा है। तो इस प्रकार इसमें कंपैरिजन करना है। इसी प्रकार जो पेरेंट्स है वो होम पर, घर पर, अपने जो घर पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, थिंग्स होती है, वस्तुएं होती हैं, उनमें अब बच्चों को घर की जो वस्तुएं उनको दिखा कर ये शो करें और उनसे बार बार ये प्रैक्टिस करवाएं कि घर की जो वस्तुएं हैं उसमें जो कौन कौन से जो वस्तुएं हैं उनमें दो में कंपैरिजन करवाए, तुलना करे दो वस्तुओं में कि बिग कौन सी स्मॉल कौन सी है, और उनको रिकग्नाइज करने की जो क्षमता है बच्चों में वो बढ़ानी चाहिए। सो फर्स्ट था तो स्मॉल एंड बिग, तो बिग एलिफेंट, एलिफेंट बिग है एंड रेबिट स्मॉल है। सो नेक्स्ट है टू थिंग्स दे रखी है, यहाँ एक बोट है और एक शिप है। तो एज यू नो जो शिप है उनमें जो थाउजेंड्स पर्सन है वो जो बैठ सकते हैं, जो बोट होती हैं उसमें कुछ ही लोग बैठ सकते हैं। तो हजारों लोग हैं शिप में बैठ सकते हैं और बड़ी होती है, और बोट है वो छोटी होती है, इसमें कुछ ही व्यक्ति बैठ सकते हैं, तीन चार व्यक्ति बैठ सकते हैं, जबकि जहाज में जो है हजारों व्यक्ति बैठ सकते हैं। सो शिप जो है बिग है, शिप यानी जहाज जो है बिग यानी बड़ी होती है, एंड बोट स्मॉल यानी बोट कैसी होती है, स्मॉल होती है। तो ये कंपैरिजन करना चिल्ड्रन में जो है इनकी जो कैपेसिटी बढ़े कि टू थिंग्स है उनमें वो एक कंपैरिजन करना सीख जाए कि विच इज द बिग एंड विच इज द स्मॉल, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, ये क्षमता उनमें उत्पन्न हो। ऐसा जो है पेरेंट्स को घर पर अलग अलग जो उनमें घर पर ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको दिखाकर बच्चों को बार बार अभ्यास करवाया जाए घर पर के अलग अलग प्रकार की दो वस्तुएं उनके सामने रखें बच्चों के, और उनसे बार बार ये पूछा जाए कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो द शिप इज द बिग देन बोट, द बोट यानी शिप है वो बोट से बड़ी है। एंड ऐसे भी कहा जा सकता है द बोट इज स्मॉल देन द शिप्स, यानी जो कश्ती है वो जहाज से छोटी है। तो बिग और स्मॉल का जो कंपैरिजन है वो हम कर सके। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए आप कवर अपने जो पेज पे, एज यू कैन सी जैसा आप देख रहे हैं, टिक राइट द बिगर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस द स्मॉल वंस। हाँ, सो टिक टिक यानी राइट का चिन्ह लगा, बिग से ही बिगर बना है और स्मॉल से स्मॉलर बना है। जब दो वस्तु यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें कंपैरिजन करना है तो बिगर और स्मॉलर जो है उसका यूज करते हैं। तो यहाँ नीचे ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, सो जो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें वस्तुएं दे रखी है, जो फल दे रखे फ्रूट्स दिए हुए हैं इसमें, तो वाटरमेलन है और मैंगो दे रखा है। तो इनमें जो कंपैरिजन है बच्चों को वो करना आना चाहिए। तो क्वेश्चन इसमें कहा गया है जो बिगर है उस पर राइट मार्क करना है, जो बड़ी वस्तु है बिगर यानी बड़ी वस्तु है उस पर राइट मार्क करना है, एंड क्रॉस द स्मॉलर वंस यानी जो छोटी है उनमें से उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाना है। यानी तो पहले ये समता उत्पन्न हो अपने चिल्ड्रंस में, बच्चों में, कि बिगर और स्मॉलर में वो कंपैरिजन करना सीखे। तो ये तभी संभव होगा जब बार बार उनको ये प्रैक्टिस करवाई जाए, क्योंकि यूकेजी के कक्षा के जो छात्र होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं, वह समय कुछ नहीं कर सकते, उनको बार बार प्रैक्टिस करवाने की आवश्यकता होगी। जितना उन्हें प्रैक्टिस करवाएंगे हम उतना ही वो रिकग्नाइज कर पाएंगे, सीख सकेंगे। सो
इनमें से जो बिगर है स्मॉलर है उसका हमें पहले देखकर पता लगाना है। देखकर तो बिगर और स्मॉलर का कंपैरिजन करना है। तो वाटरमेलन है और मैंगो है, तो वाटरमेलन में जो है बड़ा होता है आपको पता है, और मैंगो है वह स्मॉल होता है। तो बिगर के आगे राइट मार्क कीजिए। तो यहाँ जो बॉक्स बना हुआ है इसमें जो बिगर है उस पर राइट मार्क करेंगे और क्रॉस द स्मॉलर वंस, और इनमें से जो स्मॉलर है यानी छोटी है उस पर क्रॉस मार्क करना। तो ये स्मॉलर है उसमें क्रॉस मार्क करना है। तो इस प्रकार हमें जो राइट मार्क करना भी आया, पे बिगर के आगे राइट मार्क एंड स्मॉल के आगे जो है क्रॉस मार्क करना है। तो हम कह सकते हैं द वाटरमेलन इज बिगर देन द मैंगो, यानी वाटरमेलन है वो मैंगो से यानी आम से छोटा है, या हम ये भी कह सकते हैं द मैंगो इज स्मॉलर देन द वाटरमेलन, यानी आम जो है वाटरमेलन से जो है छोटा है। नेक्स्ट है अपने टू थिंग्स दे रखी है, टू ऑब्जेक्ट दे रखे हैं अपने, दो इसमें एनिमल्स है, टू एनिमल्स है। सो फर्स्ट और सेकंड, ये याक है जो बैल होता है पहाड़ी बैल, और दूसरा है जो अपने केट बिल्ली दे रखी है। तो केट और जो है याक, इसमें हमें कंपेरिजन करना है कि विच इज द बिगर एंड विच इज द स्मॉलर, कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी। बिगर और स्मॉलर का यूज हमने बताया है, बिगर और स्मॉलर का यूज होता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में हमें जब कंपेरिजन करना हो। तो आपको दिख भी रहा है इसमें बिग कौन सी स्मॉल कौन है, विच इज द बिग एंड विच इज द स्मॉल। सो आपको पता है याक है वो केट यानी बिल्ली से जो है बड़ा होता है। तो द याक इज बिगर देन द कैट। तो हम कह सकते हैं कि याक है वो बिल्ली से बड़ा होता है। तो जो बिगर है बड़ी है दोनों में उस पे हमें राइट मार्क करना है, तो राइट मार्क, एंड जो स्मॉल है उस पे क्रॉस का साइन करना अपने को। सो द याक इज बिगर देन द कैट, यानी जो याक है वो बिल्ली से बड़ा है, या हम ये भी कह सकते हैं द कैट इज स्मॉलर देन याक, द याक यानी द कैट इज स्मॉलर देन द याक, यानी बिल्ली याक से छोटी है। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं इसको। नेक्स्ट है अपने टू एनिमल्स दिए हैं, वन जो है पहला है जो फर्स्ट है वो रेट है यानी चूहा है, एंड सेकंड है फ्रॉग यानी मेंढक। तो दो एनिमल्स दे रखे हैं, इसमें रिकॉग्नाइज करना है विच इज द बिग एंड विच इज द स्मॉल। सो जो बिग है उसके लिए बिगर यूज किया है, और स्मॉल है उसके लिए स्मॉलर यूज कर सकते हैं। हम बिग से बिगर बनाए और स्मॉल से स्मॉलर का यूज करते हैं। सो जो रैट है चूहा है वो फ्रॉग यानी मेंढक से छोटा होता है या बड़ा होता है, वो हमें इसमें ध्यान करना। तो वैसे आपको पिक्चर में दिख भी रहा है जो ऑब्जेक्ट जो एनिमल्स बिग है उसके आगे बिगर बिग है उसके आगे राइट मार्क करेंगे, और जो छोटा है स्मॉल है उसके आगे क्रॉस साइन लगाएंगे हम। सो द रेट इज स्मॉलर देन द फ्रॉग, यानी जो चूहा है वो किससे फ्रॉग यानी मेंढक से छोटा है। तो यहाँ पर हम क्रॉस मार्क लगाएंगे, एंड द फ्रॉग इज बिगर देन द रेट यानी चूहे से बड़ा है। सो राइट मार्क करें यहाँ। नेक्स्ट है अपने जो ऑब्जेक्ट दे रखा है, टू एनिमल्स दिए हुए, इसमें ऑक्स है और ट्रेट्राइज है यानी मेंढक है, ये सॉरी कछुआ दे रखा है ट्रेट्राइज। सो पहला जो ऑक्स है यानी बैल है वो, और दूसरा जो कछुआ दे रखा अपने को,
तो ऑक्स है, हमें पता है कि जो ऑक्स है वो बड़ा होता है कछुए से, तो हम इसमें क्रॉस का साइन लगाएंगे, क्रॉस का साइन लगाना है। तो इस प्रकार हमने जो कंपैरिजन है वो सीखा है। तो दो दो एनिमल्स या टू ऑब्जेक्ट है, उसमें हमें ये पता करना है कि विच इज द स्मॉल एंड विच इज द बिगर, विच इज द बिग एंड विच इज द स्मॉल। तो स्मॉल और बिग के अंदर हमें जो कंपैरिजन है वो आज हमने ये सीखा है। इसी तरह जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना, इसी में नेक्स्ट टॉपिक है और नेक्स्ट पॉइंट टॉल एंड शॉर्ट। टॉल मीन्स लंबी या लंबा, शॉर्ट यानी छोटा या छोटी। तो देर आर टू पिक्चर हेयर। तो हमें ये रिकॉग्नाइज करना है कि जो टॉलर है या टॉल है या शॉर्ट है वो कौन सी। सो देर आर टू पिक्चर हेयर, यहाँ पे दो चित्र दिए हैं, टू एनिमल्स हेयर या दो जानवर है। सो फर्स्ट इज कैमल एंड सेकेंड इज गोट। फर्स्ट है वो कैमल है, सेकेंड जो है पिक्चर वो गोट की है, यानी एक ऊंट दे रखा है और एक बकरी दे रखी है। सो कैमल इज टॉल एंड गोट इज शॉर्ट। हमें पता है जो कैमल होता है वो लंबा होता है और जो गोट होती है वो शॉर्ट यानी छोटी होती है। तो ये रिकॉग्नाइज करना हमें आना चाहिए। सो नेक्स्ट पिक्चर है, हमें देखिए। तो नेक्स्ट पिक्चर है, उसमें जो बॉय दे रखा है, देर आर टू बॉयज हेयर, या दो बॉयज है। फर्स्ट वन है जो पहला है, फर्स्ट पिक्चर बॉयज है, फर्स्ट बॉयज वो टॉल है यानी लंबा है, एंड सेकंड जो बॉय है वो शॉर्ट है यानी छोटा है। तो रिकॉग्नाइज करना जो हमें आए। तो दो ऑब्जेक्ट है या दो वस्तुओं में हमें टॉल एंड शॉर्ट की जो प्रैक्टिस है वो भी आनी चाहिए। एंड घर पर हमें जो चिल्ड्रंस को है अलग अलग ऑब्जेक्ट वहाँ पे प्रैक्टिस करवानी चाहिए, उनसे ये पूछना चाहिए कि टॉल और शॉर्ट में उनको रिकॉग्नाइज करना आए। इसी तरह नीचे दे रखा है, टिक राइट द टॉलर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस क्रॉस द स्मॉलर वन, यानी टॉल से टॉलर बनना है। जब टू ऑब्जेक्ट के बीच में हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो उसमें टॉलर यूज किया जाएगा, एंड स्मॉलर जो है स्मॉल से ही स्मॉलर बना है, शॉर्ट का ही जो स्मॉलर बना है। तो हमें जो राइट मार्क करना है, जो ऑब्जेक्ट जो वस्तु लंबी है उस पर राइट मार्क करना है, और जो स्मॉलर है यानी छोटी है उस पर क्रॉस साइन करना है। तो कुछ पिक्चर यहाँ दी हुई है, देखिए। फर्स्ट देखिए, देर आर टू पिक्चर हियर, सो पुट द राइट मार्क बिलो द टॉलर पिक्चर एंड द पुट द क्रॉस मार्क बिलो द स्मॉलर पिक्चर। तो हमें जो बड़ी या लंबी जो पिक्चर है या आकृति है उसके आगे राइट मार्क करना है, और जो छोटी है स्मॉलर है उसके आगे जो है क्रॉस साइन, उसके नीचे क्रॉस साइन लगाना है। तो फर्स्ट है जो बिल्डिंग दे रखी है, सेकंड है जो हट है यानी झोपड़ी दे रखी है। सो पुट द राइट मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर। तो फर्स्ट पिक्चर के नीचे जो हमें राइट मार्क करना है, एंड पुट द क्रॉस साइन बिलो द सेकंड पिक्चर, और दूसरी पिक्चर के नीचे हमें क्रॉस का साइन लगाना है। बिकॉज क्योंकि जो फर्स्ट है वो टॉल है और सेकंड है वो स्मॉल है यानी शॉर्ट है। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट बिल्डिंग इज टॉलर देन द सेकंड बिल्डिंग। तो हम इसमें जो कंपैरिजन करना है वो सीख सकते हैं। सो सेकंड पिक्चर में देखिए आप, देर आर टू ट्री हियर, यहाँ दो पेड़ दिए हुए हैं। फर्स्ट वन जो है पहला है वो टॉलर है और सेकंड है वो स्मॉलर यानी छोटा है। तो इसमें भी हमें रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो पुट द राइट मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर। तो हमें पहली जो पिक्चर है उसके नीचे राइट मार्क करना है, बिकॉज ये जो है फर्स्ट सेकंड से लंबी है।
तो पुट द राइट मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर. तो पहली पिक्चर के नीचे हमें राइट मार्क करना है. एंड सेकेंड वन जो है शॉर्ट है, सो पुट द क्रॉस साइन बिलो द सेकेंड पिक्चर. और सेकेंड पिक्चर के नीचे हमें क्रॉस मार्क करना है. नेक्स्ट जो है अपने इसमें देर आर टू पिक्चर हियर, तो इसमें भी हमें टॉलर और स्मॉलर के जो है रिकग्नाइज करनी है कि टॉलर कौन सी है स्मॉलर कौन सी है. गेज दे रखी है अपने यहाँ, जो डोर दे रखी है, तो इसमें हमें जो फर्स्ट है वो देखना है शॉर्ट है और सेकंड है जो टॉलर है, यानी फर्स्ट जो पिक्चर है वो स्मॉलर है एंड सेकंड पिक्चर है वो टॉलर है यानी लंबी है. तो पुट द राइट क्रॉस मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर, क्योंकि पहली जो पिक्चर है वो स्मॉल है यानी छोटी है इससे सेकंड पिक्चर से, और सेकंड पिक्चर है वो स्मॉल ये टॉल है. सो पुट द राइट मार्क, पुट द राइट मार्क बिलो द सेकंड पिक्चर. जो सेकंड पिक्चर है वो अपने लंबी है. एंड नेक्स्ट जो है देर आर टू पिक्चर हियर, स्पून दे रखे हैं चम्मच दे रखे हैं. सो चम्मच में इसमें हमें रिकग्नाइज करनी है. सो फर्स्ट स्पून इज बिगर देन द सेकेंड स्पून, यानी पहला जो चम्मच है वो दूसरे से लंबा है. सो पुट द राइट मार्क बिलो द, पुट द राइट मार्क बिलो द फर्स्ट स्पून एंड पुट द क्रॉस साइन बिलो द सेकेंड पिक्चर. सो लंबी के नीचे हमें राइट मार्क करना है और जो छोटी है स्मॉलर है उसके आगे क्रॉस का साइन करना है. अब नेक्स्ट देर आर टू पिक्चर हियर, यहाँ दो पिक्चर है तो लेडर दे रखे हैं. तो लेडर में फर्स्ट जो है शॉर्ट है स्मॉलर है और सेकंड है वो टॉल है. तो पुट द क्रॉस साइन बिलो द फर्स्ट पिक्चर एंड पुट द राइट मार्क बिलो द सेकंड पिक्चर. तो इनमें हमें राइट मार्क और क्रॉस का साइन लगाना और ये रिकग्नाइज करना है विच इज द टॉलर एंड विच इज द स्मॉलर, कौन सी लंबी है और कौन सी छोटी है, ये रिकग्नाइज करना है. और चिल्ड्रन को घर पे भी इसकी प्रैक्टिस करवाना चाहिए हमें, ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट उनको उनके सामने रखने चाहिए और पूछना चाहिए विच इज द टॉल विच इज द शॉर्ट स्मॉल, तो ये रिकग्नाइज होनी चाहिए. टू बॉयज टू देर आर टू पिक्चर हियर, टू बॉय बॉयज हियर, यहाँ दो बच्चे दिए हुए हैं. तो फर्स्ट वन जो है पहला है जो वो टॉल है और सेकेंड है वो स्मॉल है यानी शॉर्ट है. सो फर्स्ट बॉय टॉलर है, तो पुट द राइट मार्क बिलो द फर्स्ट पिक्चर एंड पुट द क्रॉस साइन बिलो द सेकेंड पिक्चर. तो हमें जो है इस प्रकार इनमें रिकग्नाइज करनी है और बच्चों को भी हमें जो टॉल शॉर्ट है उसमें रिकग्नाइज करना आए, ऐसी समता उसमें उत्पन्न करनी है. और उन्हें बार बार घर पर पूछना भी चाहिए हमें को हमें कि विच इज द टॉल विच इज द शॉर्ट, यानी कौन सी लंबी है कौन सी छोटी है. तो जितना अभ्यास हम बच्चों को करवा सकते हैं उतनी बार उनको करवाना चाहिए, जिससे उनके माइंड में ये जो है एक्चुअली जो पिक्चर बने कि हाँ कि बिग क्या होता है स्मॉल क्या होता है टॉल क्या है शॉर्ट क्या है. और वो तभी संभव हो पाएगा तब जब हम उन्हें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करवाएंगे.